हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ रमज़ान के स्टार्टर की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शर्त लगा लिया, आप इसे एक बार खाएंगे तो आपका दोबारा मन करेगा दूसरे पीस खाने का। इस ज़बरदस्त रेसिपी का नाम है बटरफ्लाई चिकन, है ना? ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया। तो बनाना शुरू करें इसे हम। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसके साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1.5 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे रेड चाट मसाला। और चाट मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। मिर्ची आप अपने थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस, 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल देंगे, और इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मैदा। और इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे हम 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। चिकन जितना अच्छे से मैरिनेट होगा ये उतना ही बढ़िया बनेगा। तो इसे हम रेस्ट कर देते हैं, और अब इसके साथ हम डिप तैयार करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बनती है। और एक कप हमने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लिए, और आधा कप हमने पुदीने के पत्ते लिए, और 1/2 टीस्पून हमने चाट मसाला डाला है, और 2 हमने इसमें हरी मिर्च डाली है, और 2 ही हमने लहसुन की कलियां डाली हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें काला नमक डाल देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसमें बहुत खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है और डिप बहुत बढ़िया बनती है। 1 टेबल स्पून हमने लेमन जूस डाल दिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और हम चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमने ग्राइंड कर ली है, इस तरह से हमारी चटनी बन गई है। और ये हमने 4 टेबल स्पून हमने वाइट मेयोनीज ली थी, ये हम उसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें मेयोनीज नहीं लेना चाहते तो आप दही के साथ भी इसे डिप को तैयार कर सकते हैं, दही के साथ भी बहुत बढ़िया लगती है। हमारी मज़ेदार डिप बनकर तैयार, इसे हम साइड में करेंगे। और ये हमने 2 मीडियम साइज़ के हमने स्लाइस आलू लिए थे, और ये हमने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हमने 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टी स्पून नमक डाला है, और इसे हम अच्छे से, बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। मैं ऑयल डालना शुरू में भूल गई थी, तो मैंने इसे अब डाला है, तो आप इसे शुरू में डालिएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो ये हमने एक आलू का स्लाइस लिया है, जिसे हमने कॉर्नफ्लोर के घोल में अच्छे से डिप कर लिया है। और जो हमने ये चिकन को मैरिनेट करा था, हम इसे आलू के बीच में रखेंगे, और टूथपिक से इसे हम इस तरह से कर लेंगे। और ये हमारा बटरफ्लाई बनकर चिकन तैयार है। इसी तरह से हम सारे पीसेस बना लेंगे, और ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है, और देखने में तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो हमने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं, और हमने अब साइड में ऑयल को गर्म करने के लिए रखा था। ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, और अब हम इसने सारे जो हमने पीसेस तैयार करे थे वो हम गर्म ऑयल में डाल देंगे। अभी हमारी गैस की फ्लेम हाई है, और जब ये थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और इसे हम पलटते पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, कच्चा ना रहे आलू भी, और चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो इसे हमने फ्राई करने में 10 से 15 मिनट लगा है, और इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है, और इसे आप डिप के साथ इंजॉय करें, ये बहुत ही बढ़िया।